सफर की एक और नई सुबह। आज फिर एक बार हम आपको एक नई जगह ले जाने वाले हैं, तो आइए चलते हैं इस सफर पर। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल संदीप टू टू वन बी। तो दोस्तों, आज हम फिर से घर से बाहर निकले हैं, घूमने निकले हैं काफ़ी टाइम बाद। हमने सोचा था काफ़ी टाइम बाद चलो कुछ नया करते हैं, कहीं घूमने निकलते हैं। काफ़ी टाइम हो गया था कुछ चैनल के लिए ब्लॉग व्लॉग नहीं बनाया था, तो सोचा कि चलो आज घूमने चलते हैं। मैं आपको आज ले चलूँगा जलोड़ी पास, जो कि यहाँ से करसोग से 74 किलोमीटर है। तो चलो दोस्तों, मैं आपको एक नए सफ़र पर ले चलता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे यहाँ पे करसोग, ये पूरा करसोग है। दिस इज़ द ब्यूटीफुल प्लेस, करसोग वैली। आप देख सकते हैं पीछे पूरा इधर। तो अभी बस हमने आधा ही रास्ता तय किया था और हमें अंदर से फील हो रहा था, हमें महसूस हो रहा था कि ये जगह हमें अपनी ओर खींच रही है। मानो ये हमसे कह रही हो कि तुम सब कुछ छोड़ दो और मेरे नज़ारों में खो जाओ। नेचर में एक अलग सा पीस होता है जिसे हम हर जगह ढूंढते हैं, वही पीस हमें अपनी ओर खींचता है। उसी पीस को ढूंढने के लिए हम उसकी ओर खींचे चले जाते हैं और इन वादियों में हम खो जाते हैं। इन्हें हम फील करने लगते हैं, इन्हें हम महसूस करने लगते हैं। चले आनी बाजार से, अब थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए सामान लेके। We will meet you up on the hills top. चलो। Thank you, thank you. अब हम आनी बाजार से आगे निकलते हुए अपनी मंजिल की ओर। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल की ओर चल पड़े हैं।
यहाँ जो भी आएगा बस यही सोचेगा कि दुनिया की भाग दौड़ से दूर इस प्रकृति में अपना एक आशियाना बना दूं। ये जगह अब और ज्यादा हमें अपनी ओर खींचने लगी थी। हम महसूस कर रहे थे कि ये जगह अब हमें और ज्यादा खींच रही है, मंजिल और ज्यादा हमें अपनी ओर खींच रही है, और हम खींचे चले जा रहे थे इस जगह के, और ज्यादा करीब से महसूस कर रहे थे इस जगह को हम। पेंटर की पेंटिंग से भी ज़्यादा रंगीन, कवि की कल्पना से भी बहुत ज़्यादा सुंदर, ऐसी सुंदरता कि पल पल देखने का जी करे। ये पहाड़, ये नदियाँ, ये देवदार के पेड़, जी कर रहा था कि बस इन्हें ही देखते रहे। तो फाइनली हम जलोड़ी पास पहुंचते हुए, अभी यहां से हमें आगे पैदल जाना पड़ेगा। कितना किलोमीटर है? 4-5 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर बाकी। अभी थोड़ी सी ठंड भी बढ़ चुकी है, काफ़ी हाइट पर आ चुके हैं हम। अब आगे देखते हैं क्या होता है। श्रेयोल सर एक पवित्र जगह है, पवित्र स्थल है। यहाँ पर बूढ़ी नागन माता का मंदिर है, जिन्हें 18 नागों की माता कहा जाता है। देखिए चट्टान कितनी बड़ी है, और इसके साथ घर बनाया है जो कि होटल टाइप होगा शायद। यहाँ पर आप मैगी वैगी खा सकते हैं, चाय वगैरह पी सकते हैं, और यहाँ पर भी साइड भी होटल्स हैं। अब यहाँ से
कुछ ही समय हमें बाकी लगने वाला है लेक के लिए, तो चलते हैं, लेट्स गो। फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं श्रेयोसर, जैसा कि आप देख रहे हैं उधर मंदिर सामने, और बहुत ही ज़्यादा शांति है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा पीस। और यहाँ पे जो ये लेक देख रहे हैं आप, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही अच्छा नज़ारा आ रहा है। पहले बहुत सारी धुंध थी लेकिन अभी बहुत सही हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, एकदम शांति है। इस लेक की और एक खास बात है, ये कभी भी गंदी नहीं होती है। यहाँ दो पक्षियों का जोड़ा है जो इस लेक को साफ रखता है, इसे कभी भी गंदा नहीं होने देता। भागदौड़ की दुनिया से एक दुनिया और भी है जो कि बहुत ही अलग है, बहुत ही सुंदर है, जो आपके दिल को बहुत ही सुकून पहुंचाती है और आपको खुश रखती है, इसलिए हमें सफर करते रहना चाहिए। खूबसूरत, बहुत ही मनमोहक, यहाँ आकर हमने खुद को ही खुद के करीब पाया है और खुद को बहुत ही करीब से जाना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर।